लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा सेटबैक लग गया है। यस, महाराष्ट्र के पॉपुलर लीडर मिलिंद देवरा ने पार्टी को बाय बाय कर दिया है एंड ही हैज जॉइंड एकनाथ शिंदे शिवसेना कैंप। देवरा का रेजिग्नेशन उस दिन आया जिस दिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट किया। देवरा का कहना है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं है जिसे उन्होंने 30 साल पहले ज्वाइन किया था। द कांग्रेस पार्टी दैट आई जॉइंड इन 2004 इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी ऑफ 2024 इन मेनी वेज। इट्स अप्रोच टू पॉलिटिक्स, इट्स वे ऑफ डीलिंग विद इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, इट्स ऑर्गेनाइजेशनल केपेबिलिटी, इट्स अप्रोच टू इश्यूज, इट्स रोल एज अ ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। All of these are things which have fundamentally changed in the last few years. So, आखिर कौन है मिलिंद देवरा? Why did he leave Congress? And उनके decision का political impact क्या है? We will try to understand. सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है मिलिंद देवरा। मिलिंद देवरा बेटे हैं लेट मुरली देवरा के, जो कि खुद कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। मुरली देवरा मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे और उनकी डेथ 2014 में हुई थी। मुरली देवरा के बेटे मिलिंद देवरा का पॉलिटिकल करियर 2004 में शुरू होता है जब वो साउथ मुंबई से 10,000 वोट से भी ज्यादा मार्जिन से जीतकर लोकसभा में एंटर करते हैं, वही सीट जहां से उनके फादर कई बार एमपी रह चुके थे। 2004 में मिलिंद देवरा वॉज वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट एमपीज एंड वॉज नोन एज पार्ट ऑफ टीम राहुल गांधी, जिसमें कई और यंग लीडर्स थे जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद एंड सचिन पायलट। आज के डेट में सचिन पायलट को छोड़कर उस टीम राहुल गांधी में से सारे मेंबर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके। खैर, 2009 में भी देवरा साउथ मुंबई को करीब 1,00,000 से भी ज्यादा मार्जिन से जीतकर दोबारा लोकसभा में आते हैं और 2011 में उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया जाता है। बट डिस्पाइट हिज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच, मिलिंद 2014 में लोकसभा इलेक्शन हार जाते हैं। 2019 में भी उनका जादू नहीं चलता। इनफैक्ट 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले बीच कैंपेन वो मुंबई पार्टी चीफ के पोस्ट से रिजाइन करते हैं टू फोकस ऑन हिज पर्सनल एफर्ट्स टू विन द सीट, पर वो सीट नहीं जीत पाते। इन डिफीट से उनके पॉलिटिकल करियर को बड़ा सेटबैक लगता है और वो दोबारा मुंबई कांग्रेस को री एनर्जाइज नहीं कर पाते। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिलिंद का कहना है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं जिसे उन्होंने पहले ज्वाइन किया था। मिलिंद का यह भी कहना है कि सेंट्रल लीडरशिप का अप्रोच काफी नेगेटिव हो गया है और पार्टी मेरिट को इम्पोर्टेंस नहीं देती, और तो और पार्टी का सारा फोकस सिर्फ हर उस बात को अपोज करना है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं। बट वहीं कांग्रेस का कहना है कि मिलिंद देवरा ने राज्यसभा सीट के लिए पार्टी छोड़ा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ने कहा है कि इसके पीछे बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी टू डाइवर्ट मीडियाज अटेंशन फ्रॉम राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में रमेश ने कहा कि देवरा को अपने लोकसभा सीट की चिंता थी। साउथ मुंबई जहां से देवरा 4 बार इलेक्शन लड़े थे, वो इस बार महाविकास अगाड़ी कोलेशन के कारण उद्धव ठाकरे शिवसेना कैंप को जा रही थी और इसी बात से देवरा परेशान थे। 2014 और 2019 में देवरा को शिवसेना के अरविंद सावंत ने हराया था एंड सावंत अब भी ठाकरे कैंप का हिस्सा है और मोस्ट लाइकली इस सीट से सावंत को ही टिकट दिया जाता। रमेश ने इन सब के लिए नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। साउथ मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है विद सिग्निफिकेंट मराठी एंड मुस्लिम पॉपुलेशन एंड यहाँ के लोगों ने पिछले 2 इलेक्शंस में शिवसेना को वोट दिया था। 2019 में जब अरविंद सावंत जीते थे तो शिवसेना अनडिवाइडेड थी। शायद वोटर्स की लॉयल्टी शिवसेना की तरफ देखते हुए ही देवरा ने बीजेपी ना जाकर शिवसेना ज्वाइन करने का सोचा। बट क्या उन्हें 2024 इलेक्शन में शिंदे शिवसेना साउथ मुंबई से फील्ड करेगी? वेल, नॉट श्योर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तरह से साउथ मुंबई सीट पे अपना दावा अभी छोड़ा नहीं है एंड शायद आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी राहुल नावरेकर या फिर मंगल प्रभात लोढ़ा को वहां से फील्ड कर सकती है। अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट की। जहां बीजेपी पूरे जोर शोर से लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई है, वहां इंडिया अलायंस में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कन्वेनर को लेकर, पीएम कैंडिडेट को लेकर और तो और सीट शेयरिंग को लेकर भी अग्रीमेंट अभी नहीं बना है। ऐसे में मिलिंद देवरा का पार्टी छोड़ देना एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी तब जब राहुल गांधी सेकंड भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी शिवसेना और कांग्रेस में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के टेंशन चल रहा है। इंडिया टुडे के मुंबई कॉरेस्पॉन्डेंट साहिल जोशी से समझते हैं देवरा के एग्जिट का पॉलिटिकल इंपैक्ट। इट हैज कम अप एज अ बिग ब्लो फॉर इंडिया अलायंस, स्पेसिफिकली व्हेन इंडिया अलायंस द महाविकास आघाड़ी इन महाराष्ट्र इज लुकिंग एट द लोकसभा पोल्स and looking at the favorable picture in city of Mumbai. They think, the Mahavikas Aghadi think, that because of Uddhav Thackeray's support in Mahavikas Aghadi and Congress's support in Muslims and Dalits, it will be a formidable combination in a city like Mumbai. But
Milind Devara, who is not known to be a very popular leader, but he knows Congress in and out, will make a big dent for Mahavikas Agadi's future in Mumbai. Milind Devara can break more Congress leaders for Eknath Shinde, and it will strengthen Eknath Shinde's hand in Mahayuti. The South Mumbai seat, which belonged to Shiv Sena since 2014, has been fighting with the BJP to retain its claim on South Mumbai. The BJP was not ready to give up its claim on South Mumbai in the seat distribution of Mahayuti. Now that Milind Devara is on Eknath Shinde's side, Eknath Shinde can reclaim that particular seat. But will he be able to contest in 2024? That is a million-dollar question. The BJP is not yet ready to give up its claim on South Mumbai. In that scenario, Milind Devara may be sent on Rajya Sabha from Eknath Shinde's side. He will be a person who can be a point person in Delhi for Eknath Shinde's Shiv Sena. But for India Alliance, now they will have to be really careful, because the Congress is vulnerable. Till now, the Congress has put up a united front when the Shiv Sena and the NCP broke away in 2022 and 2023 respectively. With Milind Devara's departure, now this process has started in Congress as well. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel, Aaj Tak and India Today.